दुनिया में शोक का माहौल है क्योंकि दिनेश फडणवीस जो सीआईटी के फेडरिक्स थे उनका 5 दिसंबर को सुबह 12 बजे निधन हुआ। इस बात की पुष्टैनी दिनेश के कुछ दोस्तों ने दी है जिसमें आदित्य श्रीवास्तव और दयानंद शेट्टी भी शामिल है। सोर्सेस के मुताबिक दिनेश कई समय से लिवर की समस्या से जूझ रहे थे और 3 दिन पहले उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी जिस वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया और हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उनका निधन हुआ। दोस्तों और सीआईडी के को एक्टर्स आदित्य श्रीवास्तव और दयानंद शेट्टी ने ये खबर कंफर्म की है। दिनेश फडणवीस जो सीआईडी में फेडरिक्स का रोल प्ले करते थे उन्होंने अपने अभिनय से दिल जीत लिया था और उन्होंने सरफरोश, मेला और सुपर 30 जैसे फिल्मों में भी काम किया है। इतना ही नहीं, सीआईडी के अलावा उन्होंने अदालत और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे शोज में भी काम किया था। एक काबिल अभिनेता के अलावा उन्होंने मराठी प्रोजेक्ट्स में भी काम किए हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की झलक को अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए भी पोस्ट किया है। फैंस ने अपनी हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस एक्सप्रेस की है और मनोरंजन इंडस्ट्री के विकल्प से संपन्न प्रतिभा एक नुकसान का शोक मनाया जा रहा है। लेकिन आपका क्या कहना है इस पर, ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन ऐसी सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें बॉली टड़का 24 को और बेल आइकन दबाना ना भूले।